ये सूत्र उपदेश का नाम अम्बट्ठ, क्या नाम है? अम्बट्ठ। साढ़े आठ हो रहे। उस समय भगवान बुद्ध कौशल राज्य में इच्छानंगल नाम का एक ब्राह्मण लोग का गांव था। उसी गांव में के बगल में इच्छानंगल जंगल में थे। इच्छानंगल एक ब्राह्मण लोगों का गांव था। उसी गांव के बगल में इच्छानंगल एक जंगल था। उसी इच्छानंगल वन में भगवान बुद्ध विराजमान थे। उस समय एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण का नाम पोखर साथी। क्या नाम? पोखर साथी। पोखर साथी। ये पोखर साथी ब्राह्मण राजा से बहुत सत्कार सम्मान पाए थे। ये पोखर साथी ब्राह्मण को राजा ने बहुत कुछ इनाम दिया था। उनको उकाठा शहर भी दिया था। उसी उकाठा शहर में ये पोखर साथी ब्राह्मण रहते थे। ये बहुत बड़ा ब्राह्मण है, बहुत बड़ा विद्वान है। तो ये पोखर साथी ब्राह्मण को सुनने में आया शाक्य पुत्र शाक्य कुल से निकालकर प्रवर्जित हुए गौतम तथागत भगवान 500 भंते लोगों के साथ कौशल देश में रह रहे हैं। कौशल लोगों के इच्छानंगल नाम का गांव में जंगल में उनका निवास है। भगवान बुद्ध के बारे में इसी प्रकार कल्याण कीर्ति नाम फैल रहा है। वे अरहत सम्मा संबुद्ध है, विद्या चरण संपन्न है, सुगत है, लोक विदु है, अनुत्तर पुरुष धम्म सारथी है, सत्था देव मनुष्यानां है, बुद्ध है, भगवा है। उन तथागत देव सहित मार सहित ब्रह्म सहित इस लोक को ये श्रमण ब्राह्मण सहित देव मानव सहित पूरे सत्व लोगों को अपने स्वयं ज्ञान से यानी कि खुद जो प्राप्त किया उसी ज्ञान से सारे लोगों को कल्याण करते रहते हैं। सभी लोगों को प्रवचन देते हैं। कैसे? उनका प्रवचन है आदि कल्याण। उनका प्रवचन का शुरुआत बहुत सुंदर है, कल्याण है। मध्य कल्याण, मध्यम सुंदर है। परिवसान कल्याण, अंत सुंदर है। सात्थम मतलब अर्थ सहित है। सव्यंजना, सव्यंजना मतलब व्यंजन सहित। व्यंजन सहित मतलब एकदम विस्तार, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। उनका प्रवचन का परिपूर्ण पारिशुद्ध धर्म बताते हैं देव मानव को। इसी प्रकार सुंदर ज्ञान वाले आश्चर्य प्रभु को, आश्चर्य ज्ञानी तथागत को दर्शन करना कितना महत्व की बात है। उनके बारे में इतना सारा कल्याण कीर्ति शब्द हर जगह फैल गया था। उस समय पोखर साथी ब्राह्मण को एक चेला था। वो चेला एकदम पोखर साथी ब्राह्मण जैसा ही चतुर है। पोखर साथी ब्राह्मण जितना वेद को कंप्लीट कर लिया है उसी प्रकार वो भी वेद को कंप्लीट कर लिया है। महापुरुष लक्षण शास्त्र एकदम जानता है। जो मैं जानता हूँ वो ही जानता है। वो ही जो कुछ वो जानता है वो मैं जानता हूँ। उसी प्रकार गुरु जो कुछ जानते हैं वो चेला जानता है, जो कुछ चेला जानता है गुरु जानता है। यानी कि वो चेला एकदम कंप्लीट शिक्षा परिपूर्णकारी है, परिपूर्ण है।
तो उसी शिष्य से चेला का नाम है अम्बट्ठ, गुरु का नाम है पोक्करसाथ। ब्राह्मण अम्बट्ठ को बुला के बताया, बेटा अम्बट्ठ साक के पुत्र, साक कुल से निकाल कर जो प्रवर्जित हुए, उन तथागत भगवान बुद्ध 500 भंते लोगों के साथ कौशल देश में चारिका यात्रा करके इच्छानंगल गांव के बगल में इच्छानंगल जंगल में अभी रह रहे हैं। तो इसी प्रकार उनका कल्याण कीर्ति राव, कल्याण कीर्ति शब्द हर जगह फैल रहा है, अरहन है, सम्मा संबुद्ध है इत्यादि। बेटा अम्बट्ठ वो उनका प्रवचन सुर मध्यम अंत पारिशुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। ऐसा लोगों को दर्शन करना भी बहुत बड़ा महत्व की बात है। इसीलिए बेटे अम्बट्ठ आओ, तुम उन श्रमण गौतम के पास जाओ, जा करके अच्छा से तुम जांच करके देखो, जिस प्रकार उनके बारे में कल्याण कीर्ति शब्द फैल रहा है वो उसी प्रकार का ही है या तो फिर दूसरे प्रकार का व्यक्ति है। उनके बारे में जो कुछ अच्छा नाम हर जगह फैल रहा है वो सही है या तो फिर गलत है, वो सचमुच में सम्मा संबुद्ध है या तो फिर झूठ मूठ बना हुआ है। इसके बाद अम्बट्ठ बताया, गुरुजी हम उनके बारे में सच्चाई जान कैसे जानेंगे, वो ऐसा है अरहन है, सम्मा संबुद्ध है, उनके बारे में ऐसा कीर्ति नाम फैला हो सही है या तो फिर गलत है, हम कैसे जानेंगे। इसके बाद बताया, बेटा अम्बट्ठ तुमको हम अच्छा शिक्षा दिया था ना, महापुरुष लोगों के पास जो कारण होता है 32 कारण, वो उनका पास होना चाहिए। बेटा अम्बट्ठ तुमको याद है, मैंने सिखाया तुमको ये 32 कारण, 32 अंग लक्षण जिसका पास है वो अगर गृहस्थवासी है तो वो जरूर चक्रवर्ती राजा बन के अपना सीमा बनाता है, समुद्र सीमा बना के यानी पूरा धरती का राजा बन के धार्मिक से जीवन बिताते हैं। अगर वो जिसका पास 32 अंग लक्षण है वो गृहस्थ जीवन छोड़ के चीवर पहन लेंगे तो जरूर वो सम्मा संबुद्ध बन जाएंगे। तुमको याद है ना हम ये सब बताया था। इसके बाद जी गुरुजी हम अभी हम ये कर सकता है, ऐसे करके उठकर अपना पोक्कर साथी गुरुजी को प्रदक्षिणा किया है, प्रदक्षिणा करके नमन कर, उसी पुराना सिस्टम किया प्रदक्षिणा करके नमन करता है ना, भगवान बुद्ध को भी वैसे ही लोग उठ के ऐसे करके प्रदक्षिणा करता है, भगवान बुद्ध को प्रदक्षिणा करके नमन करता है, कोई कोई 3 बार प्रदक्षिणा करके नमन करके चल जाते हैं पुराना सिस्टम में। उसी सिस्टम के अनुसार हम लोग मंदिर में नमन करते हैं प्रदक्षिणा करके, वो बहुत पुराना है, कोई भी गुरु लोग को नमन करने तो प्रदक्षिणा करता है, प्रदक्षिणा करके नमन करके जाते हैं पुराना सिस्टम में। ये है ब्राह्मण पोकर साथी अभिवादित पदाक्षिणांकत्व, मतलब प्रदक्षिणा करके, बहुत सूत्र में ना पदाक्षिणांकत्व तत्व अंतर्दायिंसु, 8वें सूत्र में भी देवताओं प्रदक्षिणा करके नमन करके जाते हैं। तो उसी समय ये अम्बट्ठ भगवान बुद्ध के आश्रम में आ गया था, आते से बहुत सारे बंते लोग बाहर में चक्रमण ध्यान कर रहे थे, हमेशा बंते लोग चक्रमण ध्यान कर रहे थे। उस समय क्यों चक्रमण ध्यान कर रहे थे, क्योंकि ये समाधि को सुरक्षा करने वाले ध्यान है चक्रमण ध्यान। सिर्फ बैठ के हम लोग ध्यान करने जाएंगे तो बैठने के बाद अलग दुनिया में हम लोग जाएंगे, जैसे कि आप घर से यहाँ आने का अलग दुनिया है, फिर घर जाने का कैसे लगता है, फिर अलग दुनिया है। अगर कोई अच्छा फिल्म जाएगा तो देखने का मन करता है,
कई लोग मजाक या तो हंसने का मन करता है, वो अलग पर्यावरण है ना, यह अलग पर्यावरण। वैसे ही है ध्यान करते समय, बैठ के ध्यान करने में अलग दुनिया, एकदम शांत, राग द्वेष मोह नहीं है। उठने के बाद उठ के आते समय खत्म सब। तो उठ के आते समय वो सुरक्षा करना चाहेंगे तो आपको आपको चक्रमण ध्यान करना पड़ेगा। इधर बहुत जगह है, इधर उधर आराम से आपको चक्रमण ध्यान आधा आधा घंटा सुबह शाम आप करेंगे तो बहुत फल निकाल सकते हैं। इसका मतलब आप चक्र बैठ के ध्यान करके आते समय आपको होश में आ सकता है, यानी कि बैठ के ध्यान करके आते समय भी आप ध्यान में ही हैं, काम करते समय आप ध्यान में ही हैं, हर हमेशा आपको ध्यान प्रोटेक्ट रहेगा। इसीलिए क्योंकि भगवान बुद्ध के समय में तेन को समय संभवला बिक्कु अभो का से चक मंती, अभो का से मतलब बाहर बगीचा चक्र में ध्यान कर रहे हैं बहुत सारे लोग, बंदे लोग, उन लोग इसीलिए करते हैं वो सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि चक्रमण ध्यान में जो मिलने वाले समाधि बहुत मजबूत थे, जल्दी खत्म नहीं होता है, इसलिए चक्रमण ध्यान प्रयास करना जरूरी है। तो उसी बांते लोगों के पास आ करके नमन करके पूछ रहे थे बांते जी, श्रमण गौतम भगवान बुद्ध कहाँ है, हम लोग उनको दर्शन के लिए आए हैं। बांते लोग बताए थे बंतेलो के बारे में, बंतेलो को यही समझ में आ गया ये अम्बट बहुत बड़ा परिवार की है, बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, पोखर साथी ब्राह्मण, उसी पोखर साथ ब्राह्मण का शिष्य है ये। इसीलिए इतर इसी प्रकार विद्वान पढ़ाई लिखाई लोगों के साथ भगवान बुद्ध बात करेंगे तो भगवान बुद्ध थकेंगे नहीं, जरूर कुछ ना कुछ इन लोग को फायदा होगा, ऐसा बात तेरे सोच लिया। देखिए अभी भी ऐसा है ना, अभी भी कोई छोटे मोटे लोग आ गया तो फल तो हम लोग को टाइम बर्बाद करता है ना, कोई अच्छा ज्ञान खोज के जो लोग आता है उन लोग के साथ बात करने मजा आता है, अच्छा लगता है। ऐसा बनते लोग सोचे, ऐसा उस समय ऐसे ही बताया अम्बट, ये कुटिया का दरवाजा बंद है ना, वो तथागत की मंदिर है, वहाँ भगवान विराजमान है, आप चुपचाप वहां जाइए, जा करके दरवाजे के पास जा करके करिए खा रही क्या उसको क्या करना इसके बाद नाखून से दरवाजे में टच करना है, नाखून से ठक ठक आना है, तब भगवान को दरवाजा खोलेंगे। इस अम्बट आकर के भगवान बुद्ध की कुटिया के पास आकर के करके नाखून से दरवाजे पे मार दिया, भगवान दरवाजे खोल दिया। खोलने के बाद अम्बट अंदर जाने के बाद बातचीत हो गया, बातचीत होके एक और बैठ गया, बैठने के बाद इसके बाद अम्बट भगवान बुद्ध बैठते समय खड़ा होके बात कर रहे हैं, भगवान बुद्ध खड़ा होते समय अम्बट बैठ के बात कर रहे हैं, उसी प्रकार बात चल रहा था। तो भगवान बुद्ध पूछ रहे थे अम्बट, जिस प्रकार जाते जाते बैठते बैठते मेरे साथ जो बात करता है, ये बातचीत तुम लोग अपना आचार्य लोग से भी
आचार्य लोगों का आदत है क्या? बताया नहीं तथागत, ऐसा नहीं है। अम्बट बोल रहे ने, ने, गौतम जी, हम लोग सिर्फ ब्राह्मण लोगों के साथ बात करते समय, ब्राह्मण अगर बैठ के है तो हम लोग बैठ के बात करते हैं, ब्राह्मण खड़ा है तो हम लोग भी खड़ा होकर बात करते हैं। ब्राह्मण लोग अगर जाते समय है तो जाते जाते बात करते हैं, हम लोग ब्राह्मण लोग के साथ बराबर है। हम लोग मगर गौतम जी, जो लोग हम लोग ब्राह्मण का मुंह से जन्म लिया है, लेकिन जो लोग हैं बाकी लोग ब्राह्मण का पैर से जन्म लिया है, उन लोगों के साथ बात करना है तो आपके साथ हम बात करते हैं, वैसे हम बात करते हैं। ये सब बताया अम्बट भगवान, समझ में आ गया ना? ये भगवान बुद्ध बताया अम्बट वो सब झूठ मूठ बात छोड़ दो, तुम जिस कारण पे आया है उसी कारण पे सीधा बात करो। इसके बाद भगवान बुद्ध बताया जिस कारण पे आ गया अम्बट, तुम उसी कारण के बारे में बात करो। तुम ये अच्छा से तुम अच्छा सुधरा भी नहीं, अब तुम ब्राह्मण परिवार में हैं, तुम ब्राह्मण परिवार में बातचीत हो गया है, सब सीख गया है, लेकिन तुम अच्छा अच्छा सुधरा भी नहीं है। तुम सोचता है हम में शांत हो गया है, हम बहुत श्रुत हैं, ऐसे तुम्हारे पास घमंड है, ऐसा इसीलिए आलतू फालतू बात बोल करके टाइम बीता रहा है। भगवान बुद्ध ये बात बोलने के बाद अम्बट को गुस्सा आ गया। अम्बट गुस्सा आने के बाद, यहाँ तक आप समझ गए ना सबको? अम्बट को गुस्सा आ गया, खुश नहीं हुआ। वो सोचने लगा, भगवान बुद्ध हमको डांटा है, हमको दोष लगा दिया है, भगवान बुद्ध नहीं श्रमण गौतम हमको डांटा है, हमको दोष लगाया है, इसीलिए हम भी तुमको डांट देंगे, ऐसा सोच के ऐसा बोल दिया है। एक गौतम साक के जात के लोग एकदम छंड है, छंड हिंदी ना, साक के जात के लोग छंड है, साग के जात के लोग एकदम नीच हैं, साग के जात के लोग आलतू फालतू बात बोलने वाले हैं, साग के जात के लोग ब्राह्मण लोगों को नौकर होना चाहिए। फिर भी साग के जात के लोग ब्राह्मण लोगों को इज्जत सत्कार सम्मान करता ही नहीं, साग के जात के लोग ब्राह्मण लोगों को पूजा सत्कार नहीं करता है, साग के जात के लोग
ब्राह्मण लोगों को में प्रणाम इज्जत वगैरह करता नहीं है। गौतम ये साख के लोग दूसरों का ब्राह्मणों का नौकर बनना चाहिए फिर भी नौकर नहीं बनता है, गौरव नहीं करता है, सत्कार सम्मान नहीं करता है, ब्राह्मणों को पूजा नहीं करता है, ब्राह्मणों को इज्जत नहीं करता है, ये सही नहीं है, ये गलत बात है। हमको नहीं लगता ये बात सही है, ऐसे करके हम बात भगवान बुद्ध को बताया। क्यों? क्योंकि आम भट्ट एकदम पढ़ाई लिखा है ना, जिस प्रकार पोखर साथी उसी प्रकार आम भट्ट है। आम भट्ट के दिमाग एकदम तेज है, वो तो ब्राह्मण है इसीलिए घमंड है। इसी प्रकार आम भट्ट पहला दोष लगा दिया साख के लोगों को, इसका भगवान बुद्ध बताया। अम्बट क्या तुमको साग के लोग कोई गलती किया है? तुमको कोई साग के लोगों से कोई गलती हो गया है या तुमको साग के लोग से कुछ अपराध हो गया है? बताए जी, अपराध हो गया। हम पोखर साथ ब्राह्मण का कुछ काम के लिए किम्बुलवत शहर में जा रहे थे, कपिल वस्तु जा रहे थे। जाते समय शाक के लोगों का संथागार में हम आ गया था, हम गए थे। संथागार उस समय बहुत सारे शाक के तथा शाक के कुमार लोग एक दूसरे को अंगुली से अंगुली दिखा के मजा कर रहे थे, हंस रहे थे। शांतागार में रहते समय उन लोग अंगुली से दिखा के उन लोग मजा करके हमको भी हंसने लगे। ऊंचे ऊंचे आसन में उन लोग बैठ रहे थे, हमको उन लोग आते समय उठा भी नहीं। ये ब्राह्मण आते समय इज्जत करना चाहे, कुछ किया ही नहीं। ये साग के लोग ब्राह्मणों का नौकर है फिर भी उन लोग कैसे रह गया? ये पूजा सत्कार कुछ नहीं करता है, इन लोग का संस्कार कहाँ गया है? ऐसे करके बताया, समझ में आ गया ना। साग के लोग एक दूसरे से मजाक करते करते लगता है हमको मजाक किया है, ऐसे करके हंसते हंसते ऊंचा ऊंचा कुर्सी बैठ के रह गया, लेकिन कोई इज्जत सत्कार सम्मान किया ही नहीं, बेकार है उन लोग। ऐसे करके तथागत भगवान बुद्ध के सामने साग के लोगों को दूसरी अपवाद कर लिया। भगवान बुद्ध बताए अम्बट कोई भी चिड़िया अपना घोंसले में बहुत हल्ला गुल्ला करता है, इसलिए अम्बट जो कपिलवस्तु में जो साग के लोग जो अपना संथागार है, अपना घर है, इसीलिए उन लोग ऐसा किया है। ऐसा समाज के अम्बट उन लोगों के साथ नफरत करना अच्छा नहीं है। इसके बाद अम्बट बताया, फिर भी अम्बट साग के लोगों को दोष लगाने लगा। बताया गौतम क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र ये चार जात होता है। ये चार जात में से क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तीन जात के लोग ब्राह्मण लोगों का नौकर होना चाहिए। कौन बोलता है? अम्बट भगवान बुद्ध बोल रहे हैं। ये तीन जात के लोग ब्राह्मण का नौकर होना चाहिए।
गौतम श्रमण गौतम ये साक्य लोग साक्य भी ब्राह्मण का नौकर होना चाहिए, ब्राह्मण को ही पूजा सत्कार सम्मान आदर गौरव करना चाहिए, ऐसे नहीं करना अच्छा नहीं। ऐसे बोल के अम्बट तीसरी अपवाद कर लिया किन पे? साक्य पे। इसके बाद बताया तीसरी अपवाद क्या है, ये ब्राह्मण लोगों का नौकर है साक्य। इसके बाद बताया भगवान बुद्ध सोचा ये अम्बट बहुत डांटता है साक्य लोग को, इसीलिए हमेशा के लोग एकदम नीचे गिरा के बात कर रहा है, हम इसका गोत्र के बारे में पूछेंगे तो अच्छा है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताए अम्बट तुम कौन सा गोत्र के हो? बताया गौतम जी हम कृष्णायन कन्हायनो हमस्मि भो गौतम, कृष्ण ऋषि जी का परंपरा के हम हैं। तीन बार ऊंच स्वर से बताया, कैसे ब्राह्मण बताता है हम कृष्ण जी का परंपरा के हैं, ऐसे कन्हायनो हमस्मि कन्हा मतलब कृष्ण कन्हा। इसके बाद भगवान को बताए अम्बट बताए भगवान अम्बट तुम अगर बहुत पहले तुम्हारा माँ बाप लोगों का नाम गोत्र याद करेंगे तो तुम्हारा मालिक लोग है साक्य लोग, स्वामी है तुम्हारा साक्य, क्योंकि तुम साक्य लोगों का नौकरानी का पुत्र से पुत्र है। इसीलिए तुम साक्य लोग का दास हो। उस समय इसीलिए उस समय साक्य लोग तुमको आना देख करके हंसने लगे। अम्बट साक्य छोटा मोटा नहीं है, बोलो ओक्काक राजा उन लोग का अपना चरदादा है, ओक्काक वंशी है। ऐसे सुनो तुम ऐसे करके बताए ओक्का को वंश कैसे उत्पन्न हुआ है, हाँ पहले हुआ बात बता देंगे। ओक्का का राजा ओक्का का राजा था, ओक्का का राजा को तीन बेटा था उक्कामुक करकांड हातनिक निपुर। ये बच्चा लोग साथ देव के साथ जीवन बिताते समय एक नौकरानी के साथ राजा का कोई कनेक्शन हो गया, उसको एक बच्चा मिल गया। मिलने के बाद बताया जो मांगता है मांगो हम दे देंगे। ये नौकरानी बताया हमारे बेटा को राज्य चाहिए, अब तो देना पड़ेगा। ऐसे करके बेटा लोग को बुला के बताया तुम लोग जाओ हम इन लोग राज देना, बाद में तुम लोग आके राज्य ले लो। ऐसे करके देश से हटा दिया बच्चा लोगों को। उन लोग क्या किया हिमालय तरफ जा करके एक पोखर के किनारे महासाक नाम का महासाक पेड़ों वाले एक जंगल था,
कौन सा पेड़ है वो? महासाक। महासाक पेड़ वाले एक जंगल था, उसी जंगल में रहते थे। उसी जंगल में रहते समय उन लोग थोड़ा डर गया, दूसरे लोगों के साथ हम शादी करेंगे तो हम लोगों का वंश गंदा हो जाएगा, इसलिए बहुत अच्छा है हम लोग अपनी बहन लोगों के साथ शादी करेंगे। कितना भाई है? चार, चार भाई हैं। ये चार भाई उकामक, कारकांड, हातनिक, निपुर, पांच बहन है। चार बहन के साथ शादी करके बड़ी बहन अपना माँ की जगह पे रख दिया। वही उपदेश देती हैं। क्यों ऐसे किया? क्योंकि उन लोग सोचा हम लोग का वंश गंदा हो जाएगा। इसके बाद उसी समय ओक्का का राजा अपना मंत्री लोग से पूछ रहा था, मेरे बच्चों का भी कहा है, क्या कर रहा है? बताया महाराज, वो लोग हिमालय के किनारे, हिमालय तरफ पोखर के किनारे महाशाक पेड़ों का एक जंगल है, वही उसी महाशाक पेड़ों का जंगल में है। उन लोग अपना वंश को बदनाम होने का डर से अपना बहन लोग के साथ शादी किया है। इसके बाद ओक्का का राजा बताया, आश्चर्य है मेरे बच्चे लोग, बहुत आश्चर्य है मेरे, वो बताया सक्यावत भो कुमारा, परम सक्यावत भो कुमारा थी, परम सक्य मतलब चतुर है, मेरा बच्चा लोग बहुत ही चतुर है, परम सक्य मतलब महान चतुर है, परम चतुर है, परम उत्तम है। इसका बताया अम्बट, उसी समय से लेकर के उन लोगों को नाम आ गया शाक्य। शाक्य मतलब, शाक्य मतलब क्या है? बहुत ही चतुर है, उसी नाम से उन लोगों को शाक्य माना जाता है। ओक्का का राजा उन लोगों का पूर्व पुरुष हो गया है, शाक्य लोगों का। कौन ना कौन राजा? ओक्का का राजा अम्बट। ये उक्का का राजा को दिशा नाम का एक नौकरानी थी, वो नौकरानी दिशा नाम का, वो नौकरानी कृष्ण नाम का एक बच्चा को पैदा किया। बच्चा पैदा करने का इतना खाला है, कुरूप है, मामी डर गई, डर के दौड़ के बाहर जाके दरवाजा बंद किया, सोचा कि एक राक्षस पैदा हो गया है। एक बार बताया माँ, वो बेटा बताया, माँ हमको नहा लाइए, माँ हम हमारे गंदा हटा दीजिए ना। भूत लगा, नहीं समझ में आ गया, भूत जैसा था तो जन्म लेने का बात नहीं कर सकता किसी को, छोटा बच्चा नहीं कर सकता है, सीढ़ी बनती जन्म लेने के साथ साथ बात की, सिर्फ विश्वास करना इस पे, ये बुद्ध वाणी है ना, एकदम डाउट नहीं करना है, और इसमें विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। हम लोग जैसा है अरहन महाकाश बंधित कैसा है, अरहन महाकाश बंधित जी वो एकदम बंधित जैसा है। तो इसके बाद आजकल उस समय फर्क है ना। ये बताए हमको नहा लाइए, वो चिल्लाने लगा बच्चा, माँ की बच्चा, बच्चा चिल्लाने लगा। इस समय उसे मिनी माँ ना प्रेत लोग देखने के बाद
प्रेत को पहचानते हैं कैसे, वो काला है, कुरूप है, उसको पिशाच कहते हैं। पिशाच, पिशाच मतलब असुर, भूत, भूत, पिशाच, वो काला है, पिशाच लोग। ये लड़का जब जन्म लिया तुरंत बातचीत कर लिया है, वो काला है, इसीलिए लोग सोच लगा एक पिशाच का जन्म हुआ है। उसी समय से लेकर के लोग मानने लगा कृष्ण परंपरा शुरुआत हुआ है, उसी से हुआ है कृष्ण परंपरा का शुरुआत। वो ही कृष्ण परंपरा का पूर्व पुरुष, शाक्य परंपरा का पूर्व पुरुष ओक्काक राजा, कृष्ण परंपरा का पूर्व पुरुष पिशाच। कृष्ण मतलब ओक्काक राजा का एक नौकरानी थी, उसी नौकरानी का बच्चा अम्बट उस समय से ऐसे आ गया है। इसीलिए अम्बट अच्छा से याद रखो, साथ के लोग तुम्हारा स्वामी है, तुम साथ के लोगों का दासी का पुत्र है, पुत्र का परंपरा से आ रहा है। ऐसे बोलने के बाद ये अम्बट बोल रहा है, ये श्रमण गौतम जी बहुत जोर से दासी पुत्रवाद से अम्बट को डांट रहा है। ए गौतम जी, अम्बट नहीं सोच बोल रहा है, अम्बट के साथ जो दोस्त को कहा गया उन लोग बोल रहा है, ऐसे बोल करके भगवान बुद्ध उन लोग बोल रहा है, ए गौतम जी, ये अम्बट सुजात है। सुजात मतलब अच्छा जात, उत्तम जाति, उत्तम जाति, उत्तम जन्म लिया है, सुजात है ये अम्बट। अच्छा खुल से, खुल का अच्छा परंपरा के हैं ये अम्बट, बहुश्रुत है ये अम्बट, मधुर वचन बोलने वाले हैं ये अम्बट, पंडित हैं अम्बट, वेद को संपूर्ण किया है। इसी प्रकार इतना आश्चर्य अम्बट जी को आप दासी का पुत्र का वाद से क्यों डांट रहा है, ऐसा मत कहिए। इसका भगवान बुद्ध उन लोगों को बताया, मानवक ये अम्बट दुर्जात होता है, दुर्जात सुजात का उल्टा, दुर्जात सुजात मतलब अच्छा जात, अच्छा जान, दुर्जात मतलब खराब जन, दुर्जात है ये अम्बट, अकुल पुत्र है, कुल पुत्र मतलब अच्छा परिवार से आ रहा है, अकुल पुत्र मतलब खराब परिवार से आ रहा है, अकुल पुत्र भी है ये अम्बट, अल्पश्रुत है, बहुश्रुत मतलब बहुत कुछ जानकारी, अम्बट पास उतना जानकारी है ही नहीं, अल्पश्रुत है अम्बट, अकल्याण वाक्करणो, अकल्याण वाक्करणो मतलब मधुर वाणी नहीं, कठोर वाणी बोलने वाला है ये अम्बट, पंडित नहीं अपंडित है, दुष्प्राज्ञ है, दुष्प्राज्ञ उसको पंडित, पंडित मतलब प्राज्ञावान, दुष्प्राज्ञ है। अगर तुम सोचेंगे तो ये श्रमण गौतम के साथ ये बातचीत करना मुश्किल है, ऐसा है तो तुम रहना है तो रहो, बातचीत करो, हमें जाना है तो जाओ। इसके बाद बताया, नहीं नहीं बातचीत करेंगे, बताया गौतम जी उन लोग बताया, ये आप बता दीजिए कृपा करके, ये अम्बट सुजात हैं,
बहुश्रुत हैं, मधुरवान हैं, पांडित हैं, कल्याणी हैं। इसका भगवान बुद्ध ने बताया अम्बट्ट को, बताया अम्बट्ट। अगर में पसंद नहीं होने पर भी, नहीं चाहने पर भी सोल्व करने वाले एक प्रश्न तुम्हारे पास अभी आएगा, नहीं चाहने पर तुमको ये प्रश्न सोल्व करना पड़ेगा। अगर तुम ये प्रश्न, अगर हम पूछेंगे ये प्रश्न पे दूसरा शब्द डाल के ढकना मना है, सही जवाब देना है, चुपचाप नहीं रहना है, बिना जवाब दे के भागना भी मना है। अगर ऐसे हो गया तो तुम्हारा सिर सात टुकड़ा हो जाएगा। भगवान बुद्ध बताया क्यों, ऊपर है ना राक्षस, वो क्या नाम उसका, एक नाम हमको याद नहीं, ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे हो गया तो, अगर मेरा प्रश्न पर जवाब नहीं, प्रश्न पूछने पर अलग वर्ड, अलग वर्ड डाल दिया तो, अलग शब्द डाल के प्रश्न को बंद कर दिया तो, या तो फिर चुप हो गया तो, या तो फिर जवाब बिना जवाब दे के भाग जाने के लिए कोशिश करेगा तो, ये भगवान बुद्ध की आश्चर्य है ना। क्योंकि भगवान बुद्ध कितना पावर है, भगवान किसी से प्रश्न पूछ लिया तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब नहीं दिया तो उसका सिर सात टुकड़ा हो जाता है और नहीं जाएगा। कितना पावर है हमारे गुरु है ना, भगवान बुद्ध उसका साथ सिर टुक टुक तोड़ता नहीं है, उसको उतना पाप का फल मिल जाता है तुरंत क्षण में। एक लोहा लेके बहुत बड़ा राक्षस प्राप्त होता है, बहुत आश्चर्य है, सोच नहीं सकते भगवान बुद्ध के बारे में आश्चर्य। इसीलिए जवाब दो, तुम क्या सोचते हो, जो उम्र से अच्छा से बढ़ गया है, बूढ़ा हो गया है, ऐसा आचार्य प्राचार्य ब्राह्मण लोगों का बातचीत तुम अच्छा से सुन लिया है, बता दो ये कृष्ण लोग किसको मूल बना के रहता है, ये कृष्ण परंपरा के लोग का मूल कौन है, मूल्य कौन है, ये कृष्णायन लोगों का पूर्व पुरुष कौन है, ऐसे करके पूछा। प्रश्न समझ में आ गया आपको, कृष्णायन लोगों का शुरुआत किया है यही पूछे। ऐसे पूछने के बाद अम्बट्ट माँ अम्बट्ट एकदम चुप हो गया। दूसरी बार में भगवान बुद्ध पूछ लिया अम्बट्ट क्या सोचता है, ये कृष्णायन लोग तुम लोग का आचार प्राचार लोग का बात तुम अच्छे से जानता है, उसी बात के अनुसार ये कृष्णायन लोगों का मूल स्थान क्या है, कृष्णायन लोगों का मूल स्थान किसको टारगेट करके रहता है, यानी कि कहाँ से आता है कृष्णायन परंपरा के लोग, और कृष्णायन लोगों का पूर्वज कौन है, यानी कि ब्राह्मण लोगों का पूर्वज कौन है, कहाँ से आ रहा है। दूसरी बार भी ये चुप हो गया, कौन है अम्बट्ट। इसका भगवान अम्बट्ट को बताया अम्बट्ट अब हम तीसरी बार बोल रहे हैं कुछ बता दो, अब तुमको चुप होने का समय नहीं है। अम्बट्ट जो कोई तथागत भगवान को तीन बार तक प्रश्न पूछ के जवाब नहीं दिया तो उसी जगह पे ही उसका सिर सात टुकड़ा हो जाता है। उसी समय वज्रपाणी
वज्रपाणी राक्षस प्राप्त हो गया आसमान में, प्राप्त होगी जलने वाले चमकने वाले आग के साथ बहुत बड़ा हथौड़ी गद्दा, हाँ बहुत बड़ा गद्दा जल रहा है और चमक रहा है आग के साथ, एक गद्दा पकड़ के वज्रपाणी राक्षस आसमान में है हाथ में लेकर। अगर अम्बट भगवान बुद्ध को तीसरी बार भी जवाब नहीं दिया तो चुप हो गया तो उसी जगह ही ऐसा सोच के राक्षस ऐसा सोच के अगर ये अम्बट तीसरी बार भी भगवान बुद्ध जवाब नहीं दिया तो इसी जगह पे सिर सात टुकड़ा हो जाएगा फोड़ देंगे, ऐसा सोच के आसमान में है। ये वज्रपाणी राक्षस भगवान बुद्ध को भी जानते हैं, अम्बट मानव अम्बट को भी जानता है वज्रपाणी राक्षस। अम्बट डर गया, बहुत भय हो गया, शरीर का रोमा खड़ा हो गया। अम्बट अम्बट को कुछ नहीं कर सकता है, अम्बट सोच ले मेरा राक्षस मेरा सुरक्षा करने वाला तो भगवान बुद्ध और कोई नहीं है, अभी हमको भाग भी नहीं सकता इसके बाद भगवान बुद्ध के पास क्या क्या बताए भगवान बुद्ध जी, क्या पूछ रहे थे जरा एक बार और पूछिए ना, हम सीधा जवाब दे देंगे। ऐसे करके अपने आप निकल गया, वही प्रश्न पूछा। ये कृष्णायन लोग इन लोगों का पूर्वज कौन है, किसको मूलिक बना के रहता है, मूल्य बना के पूर्व पुरुष कौन है बताए। तथा बाद गौतम जी आप जिस प्रकार ही बताया कृष्ण लोग का पूर्वज के बारे में उसी प्रकार ही मैं भी जानता हूँ। ये कृष्णायन लोगों का पूर्वज कृष्ण है, उन लोगों का ही कृष्ण ही उन लोगों का पूर्व पुरुष है, प्रथम पुरुष है, ऐसे करके अम्बट्टा जवाब दे दिया। इसके बाद बाकी सारे लोग बताने लगा, अरे ये अम्बट्ट नीच जात का है, ये अम्बट्ट कुलपुत्र नहीं है, यानी कि पारशुद्ध परंपरा के नहीं है, ये अम्बट्ट शाक्य लोगों का दासी का पुत्र है। शाक्य लोग अम्बट्ट का स्वामी है, ये धर्म से परिपूर्ण श्रमण गौतम जी को तथागत भगवान बुद्ध को झूठ मूठ गलत बताने लगा, ऐसे करके जोर जोर से बहुत बड़ा जोर से लोग पूरा चिल्ला चिल्ला के बात करने लगा। उस समय भगवान बुद्ध का मन में आ गया ये मानो इन लोग अम्बट्ट को बहुत जोर से दासी पुत्र वाद से डांट रहा है, इसलिए हम उससे मुक्त कराएंगे। ऐसे सोच के भगवान बुद्ध अम्बट्ट को बताया, मानव लोग को बताया, तुम लोग बताओ तुम लोग जोर से अम्बट्ट को दासी पुत्र वाद से डांट रहा है, मगर तुम लोग जानते हो कृष्ण ऋषि कौन है, कृष्ण ऋषि कौन है, वो कृष्ण ऋषि बहुत अनुभव संपन्न है, ये कृष्ण ऋषि बहुत ध्यानी है, दक्षिणापथ में जाकर के ब्रह्म मंत्र सब सीख के ओक्का के राजा के पास आ गया, आकर के मठ रूपी नाम का उनका एक बेटी को मांग लिया। इसका तो ओक्का का राजा ने बताया आगे, अरे तुम मेरा दासी का पुत्र बन के भी मुझसे मठ रूपी बेटी मांग रहे हैं,
ऐसे करे गुस्सा हो गया, गुस्सा होके इसको इससे अच्छा मार देंगे। ये दासी का पुत्र बन के मेरा बेटी मान मट्ट रूपी बेटी मांग रहा है, ऐसे करके तीर से मारने के लिए मैं धनुष खींच रहा है, खींच रहा नहीं खींचा सकता है। इसी के बाद क्या हुआ, कृष्ण ने से अपना मान की पावर से ओकाक राजा का सारे पावर को गिरा दिया, यानी कि खींच भी नहीं सकता। मंत्री लोग सब आकर के नमन करके बताया, नहीं नहीं आप हमारे महाराज को बचाई, हमारे महाराज सुखी हो ऐसे करके। इसके बाद बताया ठीक है महाराज को कुछ नहीं हो गया, हो जाएगा। अगर ये तीर खींच के राजा नीचे डाल दिया तो, नीचे मार दिया तो पूरा धरती हट जाएगा, फट जाएगा, राजा को कल्याण हो जाएगा। मगर ये राजा ऊपर ये तीर मार दिया तो पूरा राज्य को 7 साल तक बारिश नहीं होगा। फिर भी मंत्री लोग बता रहे हमारे राज सुखी हो, सुखी हो। कृष्ण जी बताया हाँ राजा को सुखी हो जाएगा, राज्य को भी सुखी हो जाएगा, बारिश भी आएगा, मगर ये राजा का बड़ा बेटा को तीर मारना चाहिए। बड़ा बेटा पर तीर मारेगा तो बड़ा बेटा को कुछ होगा भी नहीं, कम से कम रोमा भी खड़ा होगा नहीं, कुछ होगा नहीं। इसके बाद बड़ा बेटा को तीर सेट करके मार दिया, बड़ा बेटा कोई डर भी नहीं आया। इसका तो उक्का का राजा को ये विचार आ गया, उक्का का राजा डर गया, भय हो गया, रोमा खड़ा हो गया। ये सब डरने के बाद मठ रूपी बेटी कृष्ण ऋषि जी को दे दिया। इसका भगवान बुद्ध बताया, तुम लोग अम्बट्ट को बहुत जोर से दासी पुत्र वाद से डांटता है, लेकिन वो कृष्ण ऋषि बहुत अनुभव संपन्न है, बहुत महान थे। इसके बाद आज चरण भगवान, देखिए भगवान का उपदेशों में अगर कोई ज्यादा डांटने आ जाएगा ना, इधर धरती के अंदर तक गिरा देता है, पूरा घमंड को तोड़ देता है। कितना घमंड था अम्बट्ट, है ना, अंत में अम्बट्ट को कुछ नहीं बोल पाते, एकदम चुप हो गया। अंत में अम्बट्ट इतना गिर गया, फिर भगवान ने अम्बट्ट को खड़ा कर दिया, कुछ नौ जितना उसका घमंड नहीं आएगा उतना दूर तक खड़ा कर दिया। आश्चर्य ज्ञान है ना, हम लोगों को दो शब्द बताया तो हम लोग एकदम सुधर जाएगा, इतना ज्ञान है ना भगवान को। इसके बाद भगवान को अम्बट्ट को बताया, अम्बट्ट क्या सोचता है, यहाँ कोई शास्त्रीय राजकुमार शास्त्रीय राजकुमार ब्राह्मण राजकुमारी के साथ जीवन बिता के एक बच्चा का पैदा हुआ तो उसी बच्चा उत्तम होता है, अग्र होता है क्या, हम बट बताए हाँ वो सर्वश्रेष्ठ होता है बच्चा। इसके बाद ब्राह्मण लोग उसी बच्चा को, जो कुछ ब्राह्मण स्वीकार करता है ना, क्या क्या स्वीकार करता है, कोई मरने के बाद ताकि खाना खाता है, शादी होने के बाद ताकि मंत्र पढ़ के खाता है, इस करते हैं ना बीवी, ऐसा में आगंतुक जय समाज के कहता है, उसी में उसको भी जगह मिल जाएगा। हाँ उसको भी मिल जाता है,
कौन है, शास्त्रीय कुमार को और ब्राह्मण कुमारी के साथ एक बच्चा मिल गया तो मिलके। इसके बाद उसी बच्चा को वेद शास्त्र पढ़ाता है कि नहीं? अम्बट बताया हाँ पढ़ाते हैं। इसके बाद बताया अच्छा वो अच्छा वो शास्त्रीय कुमार एवं ब्राह्मण कुमारी के चलते एक लड़की मिल गया तो क्या हो जाएगा बताए गौतम जी? ब्राह्मण लड़की कोई सुरक्षा नहीं है। सॉरी बहुत गहरा सिग्नल है। शास्त्रीय परिवार के लोग, अभी ब्राह्मण परिवार के बारे में बताया, शास्त्रीय परिवार के लोग शास्त्रीय राजकुमार और ब्राह्मण कुमारी के साथ शादी करने के बाद उसी ब्राह्मण कुमार के बारे में क्या हो जाता है? शास्त्री लोग उसको अभिषेक करेगा, अभिषेक मतलब राज्य देगा, राज्य देगा, अभिषेक करेगा नहीं? क्यों? क्योंकि वो पिताजी का साइड में वो पवित्र है वो लड़का, लेकिन माताजी का साइड में पवित्र नहीं, वो ब्राह्मण है माता। तो अम्बट्ट क्या सोचता है? अगर ब्राह्मण कोई कुमार शास्त्री कुमारी के साथ शादी करके एक बच्चा मिल गया, उसी बच्चा को ब्राह्मण लोग को जो कुछ मिल जाए तो मिल जाएगा बता? हाँ सब मिल जाता है। और ब्राह्मण लोग जो देता है मरने के बाद भोजन, शादी में जो मिलता है भोजन, आगंतुक भोजन सब मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। ब्राह्मण लोग उसको वेद पढ़ाता है कि नहीं? हाँ पढ़ाते हैं। अगर उसको ब्राह्मण लड़की मिल गया तो सुरक्षा है क्या? वो बामबट बताए नहीं सुरक्षा नहीं। शास्त्री लोग अभिषेक करेगा, अभिषेक भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो माँ का साइड से ठीक है, लेकिन पिताजी का साइड से, पिताजी का शरफ से अपवित्र है, पारिशुद्ध नहीं है। ऐसा है तो अम्बट शास्त्रीय लड़की और ब्राह्मण लड़का के साथ मिला के दे दिया था भी पूरा देश आप लोग सभी लोग माना जाता है शास्त्री लोग ही महान है, ब्राह्मण लोग अपवित्र हैं। फिर शास्त्री लड़का और ब्राह्मण लड़की साथ मिला के देख लिया था भी आप लोग अच्छी तरह से माना जाता है
लड़का महान है, लड़की अपवित्र है, हाँ इसी प्रकार है। कैसे हैं? अभिषेक लड़की को नहीं करेगा क्योंकि लड़की ब्राह्मण, लड़का शास्त्री है। अगर लड़की शास्त्री है, लड़का ब्राह्मण है, तो अभिषेक नहीं होगा क्योंकि लड़का अपवित्र है, वो ब्राह्मण है। शास्त्री लोग ही महान माना जाता है। अगर ऐसे करने आ गया तो उसका बाल काट के उसको दंड दिया जाता है। अगर कोई ब्राह्मण कोई गलत करके पकड़ा गया तो उसको बाल काट के देश से बाहर कर दिया तो वो ब्राह्मण लोगों के साथ मिलजुलता है क्या? आग्रह होता है? बताया अम्बट बताया नहीं। ब्राह्मण लोग उसको खान पान वगैरह देता है जो मारे हुए लोग का घर पे या तो फिर शादी का घर पे आकर भोजन वगैरह खिलाता है, नहीं खिलाता है? ब्राह्मण लोग उसको वेद पढ़ाता है, वेद भी नहीं पढ़ाता है। अगर अम्बट ब्राह्मण को ऐसे हो गया, अगर कोई शास्त्री कोई किसी को गलत करने के बाद बाल काट के दंड दे के देश से बाहर कर दिया, ऐसे बाहर करने के बाद वो शास्त्रीय राजकुमार ब्राह्मण लोगों के बीच में आग्रह होता है या नहीं? भगवान बुद्ध जी वो आग्रह होता है, ऐसे भगा दिया था भी ब्राह्मण लोग के बीच में आग्रह होता है। ब्राह्मण लोगों का खान पान में वो उसको स्वीकार कर सकता नहीं, कर सकता है कि नहीं? स्वीकार कर सकता है, खा सकता है। ब्राह्मण लोग उसको वेद पढ़ाएगा नहीं तो नहीं पढ़ाएगा? जरूर पढ़ाएगा। इसके बाद बताया अम्बट जिस समय शास्त्रीय लोग बाल काट के गलत करने के बाद देश से बाहर कर दिया था, भी शास्त्री लोगों के बीच में नीच माना जाता है। कोई शास्त्री परिवार के कोई गलत किया, गलत करके हटा दिया तो उसको नीच माना जाता है, लेकिन वो ब्राह्मण के सामने ऊंच माना जाता है। इसी प्रकार देखेंगे तो शास्त्री लोग ही ऊंच हैं, ब्राह्मण लोग नहीं है। अम्बट सनन कुमार महाब्रह्म जी ये गाथा बताया, खत तियो सेठो जाने तस्मिं ये गोत्त पाटी सारिनो विचारन संपन्नो सो सेठो देव मानुषेति। अगर कौन बताए? सनन कुमार महाब्रह्म जी। अगर अपना परंपरा का इतिहास अच्छे से जान के खोज के पता लगेगा तो जनता में से सर्वश्रेष्ठ होता है शास्त्री, यानी कि साक्य लोग। विद्या आचरण दोनों में से देव मानव में सर्वश्रेष्ठ होता है तथागत भगवान। अः
अम्बट सनन कुमार महाब्रह्म जी ये गाथा सोच समझ के बता, ये जो नहीं बोलना वो नहीं बताए, जो बोलना चाहे वही बता दिया है, अर्थ सहित चीज बताया है, अर्थ रहित चीज नहीं। हम भी इसी प्रकार ये बता देंगे, खत्यो सेट्टो जने तस्मिन ये गोत पटिसारिनो विद्याचरण संपन्नो सो सेट्टो देव मानुसो मानुसेति। इसका मतलब गोत्र को खोज खोज के देखेंगे तो ये जनता में सर्वश्रेष्ठ होता है, शास्त्रीय विद्या एवं आचरण दोनों में सर्वश्रेष्ठ होता है देव मानव में, तथागत भगवान बुद्ध। इसका पूछा अम्बट पूछा भगवान बुद्ध जी, ये चरण क्या है? ये चरण क्या है और विद्या क्या है? बताया ये लोग का ऊंच नीच भेदभाव है ना, क्या मतलब तुम मानो हम मानो नहीं, तुम उसी जात का हम इसी जात का है, ऐसे करके अलग 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 होना, ये वाद विवाद होना, ये सब कुछ निरुत्तर विद्याचरण है। इन लोग पास निरुत्तर ये सब कुछ छोड़ने के बाद, ये सब जात पात भेदभाव ये सब छोड़ने के बाद उत्तम विद्याचरण संपत्ति प्राप्त हो जाता है। इसका पूछा गौतम जी, ये चरण क्या है विद्या क्या है? बताया अर्हत सम्मा संबुद्ध तथा भगवान बुद्ध विद्या एवं आचरण दोनों में परिपूर्ण है। अच्छा से आना जाना, बातचीत करना, दुनिया के बारे में जानना और उत्तम पुरुष दम सारथी होना, देवानों का शास्त्र होना, चारार सत्य को जानना, इसी प्रकार तथागत इस दुनिया में जन्म लेता है। वो आदि कल्याण, मध्यम कल्याण, अंत कल्याण, अर्थ सहित व्यंजन सहित संपूर्ण धर्म आर्य मार्ग बताता है। जो कोई अच्छा परिवार के कोई लड़का ये धर्म सुनता है तथागत भगवान बुद्ध, धर्म सुनकर उनका दिल में श्रद्धा उत्पन्न होता है, श्रद्धा उत्पन्न होकर उनका मन में आ जाता है ये संवाद हो गरावास हो राजोपत हो रजोपथ संभो संवादो गरावासो रजोपथ, मतलब ये गृहस्थ जीवन संबाधक साहित्य बाधक साहित्य, संवाद मतलब बाधक साहित्य, घरावासो बहुत ही दुख से रहना पड़ता है, रजोपथ रजोपथ मतलब क्लेश गंदगी बहुत थे, हमेशा आसक्त होना, घृणा होना, बहुत चारक बहुत सारे परेशान है। अबो का सुफा बच्चा, मगर ये प्रवर्जित जीवन आसमान की तरह है, मुक्त है, किसी का बंधन नहीं, नाइतं सुकरं अगारं अज्जावस्तं एकांत परिपूर्णं एकांत परिशुद्धं संकलितं ब्रह्मचर्यं चरितम्। ये सोचता ऐसा है तो हम भी
ये सारे गृहस्थ जीवन छोड़ करके पारिशुद्ध एकदम चिड़िया की तरह मुक्त उत्तम प्रवर्जा को प्राप्त करेंगे तो कितना अच्छा है। हम भी बाल दाढ़ी काट के चेवर वस्त्र पहन के प्रवर्जी बन जाएंगे तो कितना अच्छा है। ऐसा सोच के वो क्या करता है, बाद में छोटा और बहुत सारे धन संपत्ति को त्याग करता है, अपना रिश्तेदार परिवार लोगों को त्याग करता है, त्याग सब कुछ त्याग करके बाल दाढ़ी काट कर चीवर पहन के प्रवर्जित होता है। प्रवर्जित होकर वो सील सुरक्षा करता है, इसके बाद वो अपना आचरण परिपूर्ण करता है, छोटा या बड़ा हर एक चीज का डर देखता है, सील अच्छा सुरक्षा करता है, शरीर मन वाणी परिशुद्ध करता है। ऐसे करके अपना आँख कान नाक जीभ शरीर मन च इंद्रिया एकदम शांत करके हमेशा होश में रहता है। होश में रहते हुए चीवर पिंडपात गिलान प्रत्यय सेनासन इस्तेमाल करता है होश में रहते हुए। इसके बाद तथागत भगवान बुद्ध पूर्व समय में चीवर इसके बाद प्राणियों को हत्या करना छोड़ देता है, प्राणियों को हत्या करना छोड़ देता है, प्राणियों को मारने के लिए जो डांटा है, गुलेल है, बांसी है, जाल है, सब छोड़ देकर छोड़ के सारे प्राणियों पर दया करता है, चोरी करना छोड़ देता है, जो नहीं दिया है वो नहीं लेता है, और ब्रह्मचारी पालन करता है, झूठ नहीं बोलता है, सत्य बोलता है, और चुगली नहीं, आलतू पालतू बात नहीं बोलता है, नहीं चुगली नहीं करता है, इधर से उनके इधर आके दूसरों को लड़ाने के लिए चुगली नहीं करता है, गाली देना छोड़ देता है तथा आलतू पालतू बात बोलना छोड़ देता है। इसके बाद वो पेड़ पौधा को तोड़ना छोड़ देता है, रात्रि भोजन छोड़ देता है, और नाचना गाना बजाना मजाक सब देखना छोड़ देता है, और अपना जीवन बिताने के लिए ही भोजन लेता है, उच्च आसन महान आसन को छोड़ देता है, सोना चांदी पैसा धन संपत्ति को छोड़ देता है, कच्चा धान्य को नहीं स्वीकार करता है, कच्चा मांस को स्वीकार नहीं करता है, स्त्री लोग को स्वीकार नहीं करता है, दास लोगों को स्वीकार नहीं करता है, बकरी भेड़ मुर्गा सूअर हाथी घोड़ा खेत इत्यादि कुछ भी स्वीकार नहीं करता है, गृहस्थ लोगों का संदेश इधर उधर नहीं ले जाता है, बिजनेस नहीं करता है, डांडी नहीं मारता है, दूसरों को फंसाता नहीं है, पैसा कमाने के चक्कर में नहीं रहता है, और दूसरों को दंड नहीं देता है, इसी प्रकार सीलवान हो जाता है। कौन है वो श्रद्धा मानसिक गृहस्थ जीवन छोड़ के जो आया है, इसके बाद वो पेड़ पौधों को तोड़ता नहीं है, इसके बाद वो क्या करता है, कोई कोई लोग क्या करता है, जो कुछ पूजा करता है सब जमा करके रखता है ना, भोजन दान संपत्ति, उसी प्रकार
जमा करके नहीं रखता है। कोई कोई श्रद्धामान से जो देता है भोजन, वो भोजन ले करके शांति से रहता है। दूसरा लोग जो देता है भोजन खा के लोभी मन से नहीं रहता है। दूसरा लोग जो देता है वो भोजन खा के नाचना गाना बजाना वगैरह पे नहीं जाता है। दूसरा लोग जो देता है भोजन ले करके गलत काम नहीं करता है, यानी कि जुआ इत्यादि गलत काम नहीं करता है। दूसरा लोग जो दिया है भोजन ले करके सुगंध पानी नहाना और सेंट लगाना माला पहनना कुछ नहीं करता है। दूसरा जो श्रद्धामान से दिया है भोजन करके राज कथा चोर कथा महामत्त कथा सेना कथा भय कथा युद्ध कथा आहार कथा पानी कथा वस्त्र कथा सायन कथा माला कथा गंध कथा ज्ञाति कथा यान कथा गाम कथा निगम कथा नगर कथा जनपद कथा स्त्री कथा पुरुष कथा कुमार कथा कुमारी कथा शूर कथा वीथि कथा कुंभांत कथा प्रेत कथा लोक खायका समुद्र खायका इत्यादि ये 32 कथा नहीं करता है, सीलवान हो जाता है। दूसरा लोग जो देता है वो भोजन करके धर्म विनय सीख जाता है। जो कुछ नहीं करना चाहिए वो छोड़ देता है, जो करना चाहिए वही करता है। दूसरा लोग जो देता है भोजन करके दूसरों का संदेश इधर उधर ले जाता नहीं है। आओ जा करके उनको एक संदेश दे दो तो जाके बांधते जी, ऐसे कि दूसरों का संदेश इधर उधर नहीं ले जाता है। दूसरा लोग जो देता है वो भोजन करके नीच काम नहीं करता है, बिजनेस दूसरों को फंसाना अपना लाभ सत्कार के लिए दूसरों को झूठ बोलना अपना फायदा के लिए, उसको कुहनलपन कहता है। कुहनलपन मीन्स दूसरों को प्यार से आ कैसे हैं मम्मी पापा कैसा है आपको याद आता है, ऐसे करके फालतू बात बोल के फंसाता नहीं है। दूसरों को भोजन ले करके हस्तरेखा नहीं देखता है, स्वप्न का कारण नहीं बताता है, भविष्यवाणी नहीं बताता है, अंग निमित्त नहीं बताता है और नक्षत्र वो नक्षत्र मत ज्योतिष नहीं करता है, मंत्र विद्या नहीं करता है, अंग विद्या वास्तु विद्या शास्त्र विद्या शिव विद्या भूत विद्या भूरि विद्या अभिविद्या विष विद्या उच्चिक विद्या मूषिक विद्या शक विद्या वायस विद्या ये कुछ नहीं करता है। कम से कम डॉक्टर का काम भी नहीं करता है, ये सब मिथ्या काम हो जाता है भंते लोग के लिए। और दूसरों जो श्रद्धामा से दिया हुआ भोजन करके नीच विद्या को छोड़ देता है। नीच विद्या मतलब जो ब्राह्मण लोग करता है ना, पुजारी लोग करते हैं, पुजारी लोग जो कुछ करता है मैं पैसा कमाने के लिए, वैसा कुछ भी नहीं करता है। दूसरा जो श्रद्धामा से दिया है वो भोजन करके जो ऋषि लोग बोलते हैं ना भविष्यवाणी, उसी राजा उधर बन जाएगा, ये अभी जा रहा है वो लड़का उधर भविष्य में राजा बनेगा, ये सब नीच विद्या सब छोड़ देता है। श्रद्धा मन से दूसरों का भोजन करके उसी जगह पे
चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, इसी प्रकार ज्योति इसका कुछ भी नहीं करता है। इसी प्रकार श्रद्धा मन से दूसरों का भोजन करके इस समय बारिश होगा, इसी कम से कम ये भी नहीं बोलता है कि इसी मौसम में अभी बारिश होगा, इस समय बारिश नहीं होगा, ऐसा भी दूसरों को बताता नहीं है, जानने पर भी बताता नहीं। वो नीच विद्या है, वो नीच गृहस्थ लोगों का नीच विद्या है। इस समय बीमार आ जाएगा, ऐसे प्रकार मिथ्या जीव से दूर हो जाता है। दूसरों का भोजन करके शादी नहीं करवाता है, शादी करने के लिए टाइम नहीं देता है, सौभाग्य के लिए लाभ, शुभ लाभ के लिए मंत्र बोलना कुछ नहीं करता है, और दूसरों का कष्ट के लिए मंत्र बोलना इत्यादि नीच विद्या सब छोड़ देता है। दूसरों का भोजन करके शांति कर्म, प्राणी कर्म, भूरी कर्म इत्यादि जो दूसरों का कल्याण के लिए जो पूजा हो ना होता है, वो कुछ भी पूजा नहीं करता है, दूसरों को इलाज भी नहीं करवाता है, गृहस्थ लोगों का पेट का बीमार के लिए इलाज करवाना, आँख का इलाज करवाना, हड्डी टूट गया तो उस पर इलाज करवाना, कुछ भी नीच विद्या नहीं करता है, वो नीच विद्या बनते लोगों का नहीं है। इसके बाद इसी प्रकार सीलवान हो जाता है, ये है सील। अभी तक जो बताया ना, दो से पैसे नहीं, ये प्रातिमोक्ष सील, दो सताई सील नहीं, ये हर एक भक्त जी के लिए। ये सील सुरक्षा करता है, वो कौन है, गृहस्थ जीवन छोड़ के श्रद्धा मन से जो आता है वो। इसी प्रकार सीलवान हो करके थोड़ा भी गलती से डर देखता है, ये बिना डर के रहता है हर एक के सामने, कैसे हर एक चीज पूरा धरती को जीतने के बाद शास्त्री राजा कैसे रहता है, उसी प्रकार ये रहता है। उसी प्रकार सिर सुरक्षा करता है, वो शांत हो जाता है। इसके बाद अम्बट, वो गृहस्थ जीवन छोड़ करके वो शांत होता है, शांत इंद्रिय बनता है, आग से रूप देख करके उसका सुख यानी कि उसका उस पर आसक्ति भी नहीं होता है, घृणा भी नहीं होता है, कान से सुनकर आसक्त नहीं होता नहीं घृणा होता है, नाक से सुनकर आसक्त नहीं होता नहीं घृणा होता है, और शरीर से स्पर्श लेकर के स्पर्श पर आसक्त नहीं होता नहीं घृणा होता है, मन से सोच कर उसी विचार पर आसक्त नहीं होता घृणा भी होता है नहीं होता है। इसके बाद वो हमेशा होश में रहता है, आते समय जाते समय कुछ देखते समय खाते समय पीते समय चीवर पहनते समय टेस्ट करते समय टॉयलेट करते समय हाँ हर एक समय में होश में रहता है। इसके बाद अम्बट वो भांति जी जो कुछ मिलता उसे खुश हो जाता है, अपने के लिए जो चीव शरीर बंद करने के लिए जो चीवर मिलता है उससे खुश हो जाता है, अपने लिए जो पेट भरने के लिए जो कुछ खाना मिलता है उससे खुश हो जाते हैं, अपने लिए जो कुछ रहने का जगह मिलता है छोटा सा सोने के लिए मात्र जगह मिल गया तो उसे खुश हो जाता है, और अपने लिए कुछ दवा के लिए कुछ मिल गया तो उसे खुश हो जाता है। अम्बट मात्र चिड़िया के लिए अपना पंख का भारी है वैसे ही है, जो चीवर पहने उन लोगों को सिर्फ अपना चीवर और पात्र का भारी है उससे खुश हो जाता है और उससे ज्यादा नहीं। अम्बट इसी प्रकार वो आर्य शील स्कंद से परिपूर्ण हो जाता है और इंद्रिय संवर हो जाता है और संतुष्टि हो जाता है, वो उसको पेड़ के नीचे पहाड़ों में गुफा में शमशान घाट में जंगल में या अंदर या बाहर कहीं भी जनशून्य जगह पे
वो रहता है, वो भोजन करने के बाद सीधा जा करके पलंग पे सोता नहीं है, सीधा जा करके शरीर सीधा करके अपना ध्यान के कारण पे मन रख के बैठ जाता है। बैठ के आसक्त और घृणा दोनों छोड़ करके और काम छंद से मन दूर करता है, गुस्सा से छोड़ करके व्यापार से मन दूर करता है, आलसी को छोड़ के तीन मिति से मन दूर करता है। इसके बाद मन इधर उधर भटकना छोड़ के मन शांत करके उद्दच्च कुच्च से मन दूर करता है। इसके बाद ये क्या है, वो क्या है, ये कैसे होगा, ऐसे करके शक आता है, वो शक दूर करके विचिकित्सा से मन पवित्र करता है। ऐसे करके एक उदाहरण बताया, जिस प्रकार एक पुरुष उधार लेकर के जो कुछ खर्मांत शुरू किया है, वो खर्मांत एकदम आगे बढ़ गया है सर, वो बहुत आगे बढ़ गया खर्मांत। आगे बढ़ने के बाद उधार क्या किया, वापस कर दिया और बहुत पैसा जमा हो गया, वो पैसा अपना परिवार का सुरक्षा के रख दिया। अभी उसका कोई चीज का कमी नहीं है, ऐसे उनका तो उसका मन में आता है, हम उधार लेकर के खर्मांत शुरू किया, बहुत आगे बढ़ गया, हमारे लिए कोई कमजोरी नहीं है, सौभाग्य है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा वो खुश होता है ना अपना जीवन के बारे में। उसी प्रकार और एक उदाहरण बताया, जो आदमी एक खतरनाक बीमार में आ गया, आने के बाद खाना भी नहीं खा सकता है, बाद भी वो क्या करता है, खतरनाक बीमार से संपूर्ण रूप से मुक्त हो गया, अच्छा से खाना भी खा सकता है, उसका मन में आता है पहले हमको ऐसा ऐसा बीमार आया था, लेकिन अभी हम आराम से खाते हैं, अभी हम कोई परेशान नहीं है, ऐसा खुश हो जाता है ना मन। उसी प्रकार और एक बताते हैं उदाहरण, कोई पुरुष गलत करके जेल में चल जाता है, बाद में क्या करता है, वो आराम से जेल से मुक्त हो जाता है, मुक्त होने के बाद उसका धन संपत्ति भी सुरक्षित है, इसके बाद वो खुश हो जाते हैं, हम जेल में गया था भी कुछ हम अभी हम मुक्त हैं। और एक पुरुष दूसरों का जगह पर रहता है, उसका रहने का जगह भी नहीं, बाद में उसको जमीन घर द्वार सब मिलने के बाद मन में आता है अभी हम मुक्त हैं, सारी चीज मेरे पास है, और एक पुरुष कहीं खतरनाक जगह पर रहता है, डर भय बहुत, चोर लोग का डर भय भी है बहुत, अच्छे से रहन सहन भी ठीक नहीं है, बाद में वो अच्छा जगह पे जाकर बहुत खुश हो जाता है, अभी हम बहुत अच्छे जगह पे सुरक्षित हैं। उसी प्रकार वो पंच निवरण को दूर करके खुश हो जाता है, हम पंच निवरण को दूर किया है। अब समझ लीजिए, ये पंच निवरण को छोड़ने के बाद मन एकदम मुक्त होता है, एकदम लोग जीत लिया जैसा, बहुत कुछ जीत लिया जैसा, इसीलिए ध्यान करने के लिए बताते ना बार बार, क्यों ध्यान करने के लिए बताते, ध्यान करते समय मन समाधि में आ गया तो उसी में मिलने वाली खुशी दुनिया में और किसी से नहीं मिलता है, इतना मन खुश हो जाए, इतना सारी हाल का होता है, इतना मजा आता है ध्यान करने में, शुरू में नहीं मजा है, शुरू में लगता है उधार वापस अभी तक किया नहीं जैसा टेंशन, समाधि में आने के बाद देख लीजिए आके दम मस्त। इसके बाद ये क्या करता है, पहला ध्यान में आता है, दूसरे ध्यान में आता है, तीसरे ध्यान में आ जाता है, चौथे ध्यान में आ जाता है। कैसा है, उस समय नहाने के लिए इस्तेमाल किया है
मीठी, उसी मीठी पानी में भिगाने के बाद उसी मिट्टी में एक जगह भी नहीं है जहाँ पानी से बिना भिगा है, संपूर्ण में हर जगह में पानी में भिगा हुआ है, गीला हो गया है, वही सही है। पहला ध्यान, शरीर में एक भी जगह नहीं जहाँ सुख नहीं है, हर एक लग सिर से लेकर के पैर तक हर एक जगह पे पूरा फैला हुआ सुख है। पहला ध्यान याद रखे, पहला ध्यान में आ गया तो कभी भी कोई छोटा बच्चों को आराम से आ सकता है आप लोग पहला ध्यान पे। पहला ध्यान में आने के बाद एकदम शरीर हल्का हल्का सिर्फ नहीं, एकदम आनंद है, वो कह नहीं सकता है, करके ही देखना चाहिए। पूरा पूरा शरीर पे एकदम मजा है। बहुत देर तक रहने का मन करते लेकिन देर तक रहता नहीं है ध्यान, कुछ समय तक रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है ध्यान। उसी ध्यान हम लोग आधा घंटा बैठ गया तो वो शायद 15 मिनट के लिए आता है, 10 मिनट के लिए, फिर धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ रहा है, वही पाना चाहिए। पहला ध्यान है जैसे कि मिट्टी हर जगह गीला हो गया, उसी प्रकार पहला ध्यान में आने के बाद एक भी जगह नहीं सारी में जहाँ सुख नहीं है। बाते चाओ चलो। इसके बाद दूसरे ध्यान में आ जाता है, वितर्क विचार शांत करके अपना अंदर मन एकदम शांत करके मन प्रसन्न करके दूसरी ध्यान में आ जाता है। उसके लिए एक उदाहरण बताया, एक पोखर है, बहुत बड़ा पोखर है, उसी पोखर में चारों तरफ से पानी आता नहीं, बारिश भी नहीं होता है, मगर उसी पोखर के अंदर से ठंडा पानी हमेशा आते रहता है, हमेशा पोखर के अंदर से आते रहता है ठंडा पानी। तो वो पोखर कैसा रहेगा? हमेशा ठंडा पानी, पोखर से पानी निकलेगा लेकिन पोखर में पानी सिर्फ अंदर से आ जाता है, चारों तरफ से पानी नहीं आता है, पवित्र पानी तथा पूरा कंप्लीट ठंडा है पानी। उसी प्रकार है दूसरी ध्यान, उसी प्रकार एकदम पवित्र तथा पूरा शरीर उसी प्रकार महसूस आ जाएगा, वो दूसरी ध्यान। तथा तीसरी ध्यान है प्रीति शांत हो जाता है, उपेक्षा हो जाता है मन। वो क्या है? पोखर में कमल का फूल पड़ता है ना, नीचे ऊपर तक आया नहीं अभी तक, कमल का फूल नीचे है पानी में, ठंडा पानी में। वो कमल का फूल का कोई भी जगह है क्या जहाँ में पानी नहीं लगा है? चारों तरफ में पूरा कमल का फूल में पानी लगा, ऊपर नीचे इधर उधर से, है ना? वैसा है तीसरी ध्यान, प्रीति भी शांत करके सुखी से रहता है। इसके बाद वो चौथी ध्यान में रहता है, सुख भी छोड़ देता है, दुख भी छोड़ के उपेक्षा में रहता है। ये उपेक्षा दो प्रकार का है ना, लौकिक उपेक्षा लोकोत्तर उपेक्षा। लौकिक उपेक्षा मतलब अभी जो हम लोग कहे ना वैसा, लोकोत्तर उपेक्षा मतलब चौथी ध्यान में। चौथी ध्यान में आकर के रहता है, उसके लिए क्या करता है? एक आदमी पूरा उजला कपड़ा लेकर के पूरा शरीर को ढक दिया, ढकने के बाद उसका एक भी जगह नहीं बिना ढका, पूरा शरीर उसका उजल वस्त्र से ढक गया, वैसा है चौथी ध्यान। उपेक्षा में आ जाता है, मन एकदम पवित्र हो जाता है। इसके बाद वो इसके बाद बताया अम्बट, ये हैं
इसी प्रकार अपना शरीर पवित्र करके मन पवित्र करके रह गया तो यही है चरण धर्म। शरीर पवित्र करना मतलब सीलवान होना, मन पवित्र करना मतलब चरण धर्म ध्यान, चौथी ध्यान था। इसके बाद बताया अम्बट वो अपना शरीर के बारे में अच्छी तरह से जान जाता है, अच्छे से पवित्र किया हुए कि भी मानी जैसा उसको अच्छा से क्लियर होता है सब कुछ। इसके बाद वो रूपी ध्यान भी करता है, आकाशान्नांचायतने विज्ञानान्चायतने नेसान्नासान्नायतने आकिंचान्नायतने, ये अष्ट समापत्ति को पाता है। इसका अपने मन के बारे में पूरा जान जाता है, अब ये मेरा मन किसी प्रकार है। इसके बाद वो दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख निरोध करने का मार्ग, चार आर्य सत्य के बारे में संपूर्ण रूप से जान जाता है। हम बट ये है विद्या। चरण मतलब क्या है? अष्ट समापत्ति, पुब्बे निवासानुसिति ज्ञान, चतुपपात ज्ञान और दिव्य सोत दिव्य चाकु इत्यादि इद्दिविद, ये सारे ज्ञान चरण और सील, ये सब चरण हो जाता है। विद्या मतलब आसवाख्य ज्ञान, त्रिविद्या, आसवाख्य ज्ञान और चार आर्य सत्य के बारे में जाते, ये है विद्या। ये सब कुछ हो गया तो विद्या चरण संपन्न कहता है। विद्या चरण संपन्न होता है आत्म बनते लोग, है ना, संपूर्ण हो जाते विद्या चरण। ये सब बोल के भगवान बुद्ध अपना मंदिर से हटकर चक्रमण ध्यान करने के लिए आया। अम्बट्ट भी चक्रमण ध्यान के पास, जहाँ चक्रमण ध्यान करते वहाँ पे आ गया।
आ करके जिस प्रकार भगवान को चक्रमण ध्यान करता है उसी प्रकार अम्बट्ट भी चक्रमण ध्यान करता है। करते समय 32 महापुरुष लक्षण से दो को छोड़ा के बाकी सब देख लिया। देखने के बाद भगवान को जान गए इसको ये दोनों भी दिखाना पड़ेगा नहीं तो सब करता है। इसके बाद वो दोनों महापुरुष लक्षण भी दिखाया कोश होते को ये महापुरुष लक्षण और जीव। इसके बाद वो अम्बट्ट को भगवान बुद्ध के बारे में जो कुछ शक था वो शक दूर हो गया। वापस अम्बट्ट रात में चढ़ कर पोखर साथी ब्राह्मण के पास आ गया। आकर के नमन करके बताया श्रवण गौतम जी हम लोग देख लिए हैं बातचीत किए आप जैसा बोल दिया वैसे ही है जिस प्रकार अरहन सम्मा संबुद्ध हैं वो वैसे ही हैं। इसके बाद जो कुछ भगवान बुद्ध के साथ बातचीत हो गया वो सारे बातचीत पोखर साथी को बताने के बाद अरे मूर्ख तू मैसे भगवान बुद्ध के साथ मुंह लगाने के लिए क्यों गया? तुम जैसा लोग मारने पर नरक में चल जाएगा तब मूर्ख है तुम। देखो तुम किस लिए डांटने गए साके लोगों को? नहीं करना चाहिए वही करना चाहे वही करने गया था गया है हम यही सिखाया तुमको। अब खुश अब वो हम लोग नीच हो गया अभी साथ जो नहीं करना चाहे वही करने गया है तुमको हम जो बताए वही करना चाहिए था तुम जैसा लोग ही नरक में जाना चाहिए। ऐसे करे बहुत गुस्सा हो गया कुछ ही नहीं हुआ बिना कुछ हो के सोचा हम जाएंगे भगवान के दर्शन के लिए। ऐसे के सोच के पोखर साथ ब्राह्मण अपना घर में अच्छा से भोजन वगैरह तैयार करके उकट्ठा शहर से निकलकर इच्छानंगल जंगल में आ गया। आके भगवान बुद्ध के पास आकर के खुश हो गया। खुश होकर बातचीत करके बैठ गया। बैठ के पूछा भगवान बुद्ध जी हाँ मैं अम्बट्ट आ गया है। हाँ अम्बट्ट यहाँ आ गया अम्बट्ट और आपके साथ कुछ बातचीत हो गया है? हाँ हमारे साथ कुछ बातचीत हो गया। ऐसे करके भगवान जो कुछ बातचीत हो गया वो सब बता दिया है। बताने का बताया होकर साथ बताया भगवान बुद्ध जी अम्बट्ट बहुत लाम की छोटा है अम्बट्ट को माफ कीजिए दया कीजिए। इसके बाद भगवान बुद्ध बताए ठीक है अम्बट्ट सुखी हो। होकर साथ ब्राह्मण भगवान बुद्ध का पूरा 32 कारण को देख लिया। देखने वो दो को नहीं देगा फिर भी। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया तुम तो बिना दो को बिना देख कर बाकी सब देख लिया था ना शक मत करी वो दोनों भी हैं। ऐसे करके दिखाया देखने के बाद बहुत खुश हो गया। खुश होने के बाद बताया आज आप महासंघ के साथ मेरा घर पे भोजन के लिए पधारे निमंत्रण किया। भगवान बुद्ध चुप होके निमंत्रण को स्वीकार किया। भगवान बुद्ध उसी घर पे गया। जाने के बाद भोजन दे दिया। भोजन देने के बाद भोजन करने के बाद
छोटा एक आसन लेकर के भगवान बुद्ध के एक साइड में बैठ गया। बैठने के बाद पोखर साथ ब्राह्मण को भगवान बुद्ध दान कथा, शील कथा, सग कथा, काम का खतरा, पंच काम का, काम से मुक्त होने का सत्यता और नैष्कर्म यानी काम को त्याग करने का महत्वता के बारे में बता दिया। ऐसे बताने के बाद, ये धर्म कथा बताने के बाद पोखर साथ ब्राह्मण का मन एकदम क्लियर हो गया, शांत हो गया, पवित्र हो गया, कुछ भी समझने के लिए तैयार हो गया मन। उसी समय भगवान बुद्ध दुख दुख का समुद्र, दुख का निरोध, दुख का मार्ग, चार आर्य सत्य भगवान बुद्ध लोगों का सामुखांसिक धर्म देशना है, वो देशना कर दिया। ऐसे बोलने के बाद पोखर साथ ब्राह्मण सोतापन्न हो गया। इसके बाद पोखर साथ ब्राह्मण हर एक चीज पे क्लियर हो के भगवान बुद्ध को बताया, भगवान बुद्ध बहुत सुंदर है, बहुत आश्चर्य है, आज से हम आपकी और धर्म की संघ की शरण में जाएंगे, कृपा करके मुझे जीवन भर आपके शिष्य मान लीजिए। ऐसे करके बताया, भगवान बुद्ध जी आप किसी का घर में जाएंगे तो जरूर याद करके हमारे कोई भी ब्राह्मण परिवार है उनमें भी जाइए, अगर उन लोग आप देख करके खड़ा हो गया तो नमन किया तो आपको एक बार भोजन पूजा किए तो उन लोग बहुत समय तक कल्याण हो जाएगा। ऐ अम्बट सु